नमस्कार, टोकरी खबरें तुम्हारा सबने का स्वागत है। मैं अनुराधा के आलोपाचे खास खबरें पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदानता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। श्रीनगर के बोंद ज्वाइंट अस्पताल का अधिकारी पासिया किया गया दौरा, गलाया 10 दिन के अंदर पर्तियां शुरू करवाई जांगन सारी सहूलत। सांबा जिले च दर्दनाक हादसा, कार हादसे च 5 लोगों की हुई मौत। वुमेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन च मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन दिहाड़ा, कार्यक्रम के दौरान कई मन्ने परमन्ने के लोग रहे मौजूद। सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने प्रेस वार्ता करिए ट्रैफिक पुलिस पासिया उनके साथी की प्रताड़ित करने का लाया आरोप, गलाया सख्त कार्रवाई करे विभाग। अधिकारियों घटना के बाद की स्थिति की समीक्षा की। वित्त आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग विवेक भारद्वाज ने अस्पताल का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से गल करते हुए 10 दिन के अंदर सारी सहूलतें की पट्टी शुरू करने की यकीन दिलाया कि उनको हम पूरा एक मॉडर्न फायर सेफ्टी सिस्टम पुराने हॉस्पिटल में भी हम इत्तेफाक रखिए। हमने तो अभी रिव्यू किया है इस बिल्डिंग का और हमें उनकी जो शेड्यूल डेट थी वो दी दिसंबर, और अब हमको ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर से पहले दे देंगे, तो आप और हम यहाँ पर आएंगे दिसंबर से पहले। यूथ कांग्रेस के पास है आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मत सारी गिनती युवा मौजूद रहे, जिंद पुलिस बल के करने तक कामों की भी पेश आई। बाद इन्हें नौजवानों की गिरफ्तारी भी की गई। प्रदर्शन करा दे नौजवान ने डिलिमिनेशन का मुद्दा चुकया, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आज प्रदर्शन किया जा रहा है डिलिमिनेशन की रिपोर्ट को लेकर, और ये तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है आपको प्रेस क्लब के बाहर से नजर आएंगी। और यूथ कांग्रेस द्वारा यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया गया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनकी नीतियों के खिलाफ, और ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के जमोदला के कोल एक इनोवा गाड़ी के गहरी खाई च डिगने करने उदे च सवार 5 लोगों के मारे जाने के समाचार न, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप करने घायल दसा जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक अमृतसर पंजाब थमां श्रीनगर जा रही एक कार जमोदा मानसर सांबा के कोल गहरी खाई च जा डिगी। हादसे च मारे गए सारे व्यक्ति अनंतनाग कश्मीर के दसे जा रहे हैं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे जमोड़ा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नीचे खाई में चली गई है, तो इमिडिएटली हमने वहाँ मौके पर रश किया। मानसर से भी आगे जो कि अब सदा सांबा से आ गया, एसडीआरएफ की नफरी भी वहाँ से एसडीआरएफ टीम जो है वो भी मंगवा ली गई, और जैसे सीनियर अफसर को पता चला उन्होंने भी डीपीएल से और नफरी भेज दी रेस्क्यू के लिए। तो जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहां पे 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में, तो अभी वहां से डेड बॉडीज हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी है। जिस चाली कन्नै हालात चला दे न, जेड़े अस नारी जेड़ी है वो ते अपने मना दे पार ओले करी लैंदी है, पर बेचारे जेड़े पुरुष न वो भी कुदा ना कुदा मदे नहीं, 40% का लै लो 30% का लै लो, पर वो भी जुलम दे शिकार हैं कुदा ना कुदा। इस करियै नारी ही ईश्वर ने बड़ी शक्ति दी दी है बर्दाश्त करने की, जेड़ी शायद पुरुष को उन्नी नहीं है। असेंगी बर्दाश्त सिर्फ अस गै करी सकने आ, वो तकलीफा वो पीड़ा सिर्फ अस गै झेली सकने आ, जिन्हेंगी झेलना चाहिदा बर्दाश्त भी करना चाहिदा। सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी तो एक लाया कि ट्रैफिक पुलिस की पासिया वकीले भी परेशान किया जाता, जड़ा कि सरासर गलत है, जिस ऊपर ट्रैफिक विभाग ने अधिकारियों की इस ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्हें लाया कि उन्हें एक साथी की भी प्रताड़ित किया जाता है, जो कि कहीं अपने घर से स्कूटी लेके कोर्ट की तरफ आ रहे थे, तो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनको रास्ते में खड़ा करके और उनके साथ गाली गलौज करके और फिर उसके बाद उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने रास्ते में, और पूरी ट्रैफिक पुलिस उन्होंने इकट्ठी कर दी जब वकील साहब से ने, और उसने ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ये कहा
कि आप 5 बार मुझसे सॉरी बोलिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसमें उनकी जो है इतनी इंसल्ट की गई कि मैं समझता हूँ कि ये इट्स नॉट गुड ऑन हिज पार्ट व्हाट ही हैज डन विद द लॉयर। ਅਰਸਪੁਰਾਲਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਰਾਤੇ ਦੇ ਲੋਕੇ ਚ ਉਸ ਵੇਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਛਾੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੀਡੀਸੀ ਸਦੱਸ ਅਰਸਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱਸ ਕੈਪਟਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਮਾਰੀ ਗੇਗੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇ ਗਾਮ ਦਰਾਪਤਾ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ बुजुर्ग थे और हमारी सातों वार्डों के जो पंच ने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसी की बदौलत और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, और जिन्होंने हमारा ये जो जल्दी से जल्दी हमने इनके आगे एक रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी जल्दी हो सके हमारा ये रोड जो है उसको क्लियर किया जाए। तो के द्रापते गाँव पंचायत गेगियाँ, ये द्रापते गाँव के इतिहास में ये पहली बार ये ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है, और बहुत पुरानी मांग थी, बहुत पुरानी डिमांड थी इस गांव की। आज तक इस गांव का रोड पक्का नहीं हो सका था, तो आज यहां ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के पास से आज ब्लॉक सतवारी दी पंचायत चट्टा फॉरम से एक रोजा रिलीफ वितरण कैंप का आयोजन करिया। पंचायत के जरूरतमंद लोगों च कंबल ते दवाइयां बंडियां गईयां। पंचायत के सरपंच सरदार अवतार सिंह की देखरेख च आयोजित इस कैंप के दौरान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव पूर्व आईएएस अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हमारा जो कार्यक्रम था, काफी पुरानी हमारे पंचायत की लोगों को डिमांड थी जो बीपीएल से फॉल करते हैं, तकरीबन 150 लोगों का आज हमने ब्लैंकेट और वो जो हमारे कुछ ज़्यादा गरीब लोग थे उनको किटें प्रोवाइड की, और हमारे पास रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे रिजवी साहब जहाँ पहुँचे मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए हमारे JKS ऑफिसर अजय सलान जी, महाजन जी, जितने भी रेड क्रॉस की टीम पहुँची। अजय की डोगरी खबरें च बस इन्ना गे, तो इजाजत, नमस्कार।